देखो ना बेटा मेरा एक्सीडेंट हो गया है, डॉक्टर बोला जल्दी ऑपरेशन करना होगा, जल्दी से पैसा भेजो, मोबाइल टूट गया गाड़ी के नीचे आके, तो माँ का आवाज़ में तो सुनेगा कि अरे मेरी माँ बोल रही है हम 20,000 रुपया नहीं भेज सकते हैं, तुरंत पैसा भेज देगा। तो आज मोबाइल में ऐसा ऐसा चीज़ आ गया है, एप्लीकेशन आ गया है कि आपके आवाज़ की भी कॉपी कर लेगा। तो सावधान रहना है, यह जान लेना है कि वो बिल्कुल सही है या नहीं है। अगर माँ की, मान लीजिए कि हमें कोई फ़ोन कर रहा है कि आप मेरी माँ ही फ़ोन कर रही है, तो हम अपने पिताजी से फ़ोन करके पूछ सकते हैं क्या ये बात सही है कि गलत है। हम अपने भाई से पूछ सकते हैं, मेरी माँ जहाँ रह रही है वहाँ किसी से पूछ सकते हैं, कन्फर्म कर लेना। प्लस जो आपको बताया कि गलती से आपके अकाउंट में चला गया है या इसमें पैसा लगाइए तो डबल हो जाएगा, यहाँ के लोगों को बाहर ले जाता है कि वहाँ 50,000 महीना देंगे, पता चल रहा है एक पैसा महीना नहीं दे रहा, खाना भी नहीं दे रहा, ऐसा सुनते हैं ना, बाहर ले जाता है कम उम्र के बच्चा को। तो इनसे बच के रहना है, सावधान रहना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आपके गाँव में मुंडा है, मानकी जी हैं, ग्राम प्रधान है, बहुत सारे लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनसे जाके एक बार पूछ लीजिए। जल्दीबाजी वाला काम नहीं करना, एक तो ये हुआ। दूसरे सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को विद्यालय जरूर भेजिए। अगर हमें आगे बढ़ना है, मजबूत होना है, मजबूत मन से होना है, मन मजबूत करने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। जरूरी है कि नहीं आप लोग बताइए? पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है। एक डब्बे में चीनी है, एक डब्बे में नमक है। पढ़ा लिखा आदमी और नहीं पढ़ा लिखा आदमी कुछ कुछ तरीके से बिना टेस्ट किए हुए बता सकता है कि कौन चीनी है और कौन नमक है, बता सकते हैं? पढ़ा लिखा आदमी चीनी को गर्म कीजिए पिघल जाएगा, नमक नहीं पिघलेगा, बता सकते हैं? दूसरी चीज़ें क्या है कि नशा पान, अभी बहुत सारे लोग तरह तरह के नशा करने लगे हैं, इन पर कंट्रोल करना है। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारी महिलाओं को कि इसमें जागरूक हो, बहुत सारे लोग दिन में भी नशा पान कर लेते हैं, उस पर हमें रोक लगाना है, कंट्रोल करना है। और इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अभी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारा चक्रधरपुर में तो अभी बहुत कम हो गया है, कोई किसी को डैन बोलता है। आज के समय में ये हो सकता है, अभी आप देखेंगे चंद्रयान जो है चांद पे पहुंचा, आदमी चांद पे जा रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? पापा को कोई अगर बोलेगा डैन, हमको कैसा लगेगा? तो हमको बुरा लगेगा, तो हम दूसरे के माँ को, दूसरे के बहन को क्यों बोलने जाएंगे ऐसी बात? ये नहीं बोलना है। अगर बताइए कि किसी को कुछ कर देने से कुछ हो जाता है तो पुलिस को रखने की क्या ज़रूरत है? बॉर्डर का बैंक का खाता है, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका बहुत सारा फोटो है, ये सारी चीज़ों को